तो जब आपको स्पाज्मिक दर्द होता है जिसमें आपके बदन जैसे कि सडनली पेन करने लगती है, और जैसे कि आप समझ सकते हैं जब आपको पेट में आइट मरोड़ के दर्द होता है, तो उस समय आप यूज कर सकते हैं इस तरह का मॉलिक्यूल, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, क्लोर जेक्सासोन। तो एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर ये तीनों मॉलिक्यूल है। तो हम बात करें वैक्स केयर DMR टैबलेट के बारे में जिसके अंदर ये तीनों मॉलिक्यूल है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस तरह की समस्या में आप कैसा लेना चाहिए, क्या डोज हो सकता है और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो वैक्स केयर DMR टैबलेट है इसे वैक्स केयर द्वारा बनाया जाता है, 10 टैबलेट का इसका पैक रहता है जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ रहती है। इसके अंदर जो डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल है ये दर्द को दूर करते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत हरांस रहता है तो उसे दूर करते हैं, और जैसे क्लोरहेक्सासोन है ये स्पाज्मिक दर्द को दूर करता है, यानी जो सडन दर्द होता है आपको जैसे आइट मरोड़ के, तो उससे कम करता है। इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको इस तरह की समस्या रहे तब। तो जब आपका जैसे स्पाज्मिक दर्द रहता है, जैसे आपका पेट में आइट मरोड़ के दर्द रहता है, जैसे कि पीरियड वाला दर्द रहता है, या जैसे कि सडन दर्द हो रहा है, सडनली आपका पेट जो कि आइट के दर्द होता है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कि सर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, कुछ भी हो रहा है, किसी तरह का भी दर्द है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्का सा बुखार के साथ में भी दर्द है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेस्ट इसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में आप डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसे परचेस करें या इस्तेमाल करें। तो अगर आप खुद से करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से अगर इसे यूज करते हैं, तो हो सकता है ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिले, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, अपचन से महसूस हो सकती है, सीना जल सकता है और भूख आपको कम लग सकती है। इसका जो डोज रहता है ये ट्वाइस डेली रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी जो समस्या है उसके ऊपर। अगर आपको दर्द हो रहा है तभी आप इसे ले, दर्द नहीं हो रहा तो ना ले। अगर एक बार दर्द हो रहा है तो आप इसे लेने के बाद कम से कम 6 घंटे का वेट करें, उसके बाद दूसरा टैबलेट लें, अगर आपको कंटिन्यूस दर्द हो रहा है तभी। तो अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप इसे ना लें। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो एक लाइक कर दें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका डाउट है रिलेटेड वैक्स केयर DMR टैबलेट्स तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।